अयोध्या जो श्री रामचंद्र जी के नाम से काफ़ी फेमस है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और ये सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ घूमने के लिए है बहुत सारी चीज़ें। आज हम घूमने वाले हैं अयोध्या। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा लखनऊ, जहाँ से आप 135 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँच सकते हैं अयोध्या बाय बस, बाय टैक्सी या बाय ट्रेन। अयोध्या आप बाय बस भी आ सकते हैं, यहाँ अलग अलग शहरों से बस डायरेक्ट अयोध्या के आपको बस स्टेशन तक छोड़ देगी। अगर आपको बस अयोध्या से मिलती तो आप हैदराबाद तक आराम से बस से आ सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद तक बस बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है। आप हैदराबाद बस स्टेशन से डायरेक्ट ऑटो पकड़ के आ सकते हैं अयोध्या, और अगर अयोध्या का अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप 200 रुपये दे के ई रिक्शा बुक करके पूरा अयोध्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं ना, तो जो पीछे का नज़ारा है वो देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये क्या है कि माननीय योगी आदित्यनाथ ने इसका काम जो कराया था वो 1 साल में पूरा कराया था। मैं किसी पॉलिटिक्स व्यू पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि आपको 1 साल के अंदर कितना सुंदर और भव्य ये घाट बनाया गया है। ये है राम की पैड़ी। तो सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग। थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है तो हवा की नॉइज आएगी। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, पहले बोलते हैं जय श्री राम। तो हम लोग आए थे पहले लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या आके हमने गाड़ी भी यहाँ पार्क पे लगाई भी है। हम लोग आए हैं सरयू में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो सरयू में हम अभी स्नान करेंगे। उधर सरयू नदी उसके पार भी है ये छोटा सा राम की पैड़ी, जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। ये मैन मेड है पूरी, मतलब ये बनाई गई है, यहाँ पर नदी नहीं आ रही। उधर सामने बैराज है, तो बैराज से वो नदी पूरी बनाई हुई है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। तो पहले शुरुआत हमने राम की पैड़ी से शुरुआत की है, इसके बाद हम लोग यहाँ के सारे करेंगे कवर पूरे ब्लॉग में। इसके बाद उस नदी के नदी में भी जाएंगे, पीछे सरयू नदी है बहुत बड़ी है, वहाँ भी जाएंगे। तो सो गाइस, प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ गया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो शुरू करते हैं आज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को, मतलब एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्या कैसे कैसे आप लोग आके घूम सकते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे पूरा का पूरा ये राम की पैड़ी है। शुरुआत हमने यहाँ से की है, इसके बाद हम जाएंगे राम की पैड़ी के उस पार है नदी, सरयू नदी। तो यहाँ पे देखिए निहारिका है काफ़ी खुश। कैसा लग रहा है यहाँ पे है? बहुत मज़ा आ रहा है। ये तो निहारिका को काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये राम की पैड़ी है पूरी और यहाँ पे मम्मी पापा लोग बैठे हुए हैं। आपको कैसा लगा? हाँ, तो कि यहाँ पे जय योगी नाथ। जय योगी नाथ। पापा योगी का काम देख के ना तो बिल्कुल एकदम से। हाँ, पापा बीजेपी भक्त हैं। मैं बता रहा हूँ, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। चाय पी रहे हो फिर आप? मजा आ रहा, डर नहीं लग रहा? नदी को देख के डर नहीं लग रहा? क्या निहारिका, मजा आ रहा है? निहारिका को अगर नदी में तुम बोटिंग करो, निहारिका काफी खुश हो जाती है। यहाँ आके बैठो। तो फिलहाल हमने लिए नाव, हवा बहुत तेज चल रही है। ये देखिए सामने टेडी बेयर रखा हुआ है, मम्मी पापा इधर, मम्मी इधर और निहारिका बैठी है उधर पीछे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं माँ सरयू नदी की सैर, जो है अयोध्या नदी के बिल्कुल किनारे पे। तो पहले यही स्नान करना पड़ता है अयोध्या शहर में। वो सामने आप देखिए दूसरा स्टेशन है और आप देखते हैं कि माँ सरस्वती की, माँ सरयू मतलब माँ सरयू की कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर नदी है। ये देखिए दूर दूर का पानी पानी दिखाई दे रहा है और बहाव यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा है।
सेम हरिद्वार ऋषिकेश बनारस की तरह यहाँ पे भी होती है शाम को माँ गंगा की आरती। तो समा सरयू की नदी की आरती शाम को यहाँ पे होती है। हम लोगों ने जो बोटिंग की थी ना वो की थी आपके 300 रुपये में, चार लोगों ने की थी। 120 रुपये पर हेड ये लोग बोलते हैं, लेकिन थोड़ी बार्गेनिंग करके आप 50 रुपये भी कर सकते हो जो भी आपकी। हमने 300 रुपये में पूरी बोट लेके गए थे, तो उसने हमको सर्किल मारा था इधर से ऐसे घुमा के, वो पुल को पूरा पार करके जैसे वो बोट उधर जा रही है वहाँ से वापस उधर ले। देखिए नीचे राम की पैड़ी। तो राम की पैड़ी घूमने के बाद हम लोग जा रहे हैं, सामने मंदिर है नागेश्वर नाथ मंदिर सामने है, तो हम लोग जा रहे हैं उस मंदिर में शीश महादेव के दर्शन करने के लिए। वो तो ठीक सामने है, तो हम लोग आ गए हैं श्री नागेश्वर नाथ जी के मंदिर में। ये तो राम की पैड़ी घूमने के बाद हम लोग अब आए हैं हनुमानगढ़ी टेंपल में। तो ये यहाँ पर हनुमानगढ़ी टेंपल है। बोलते हैं कि अयोध्या में सरयू स्नान करने के बाद सबसे पहले इसी मंदिर में आना चाहिए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो रक्षक हैं अयोध्या पूरी नगरी के। तो पहले हम लोग घूम रहे हैं हनुमानगढ़ी टेंपल, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। तो शोरगुल ज़्यादा है तो उसके लिए, क्योंकि बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा है ना अभी। तो हनुमान गढ़ी घूमने के बाद हम लोग का जो सेकंड डेस्टिनेशन था वो है दशरथ महल। तो सामने दशरथ महल हम लोग पहुंच चुके हैं, अब घूमते हैं दशरथ महल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दशरथ महल में। देखिए आप यहाँ पे, ये काफ़ी खूबसूरत है ये। तो ये सामने है दशरथ महल, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में आप सभी पूज्य संतों महंतों भक्तों का हार्दिक स्वागत है। देखिए कितना खूबसूरत है। तो जो राम जन्मभूमि के दर्शन होते हैं ना वो होते हैं सुबह 6 बजे से लेके दिन के 11 बजे तक, फिर उसके यहाँ 11 से लेके 2 बजे तक रहता है रेस्ट, फिर 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक फिर से होता है। तो आप इस हिसाब से प्लान कीजिए, जैसे अभी हम लोग पहले राम जन्मभूमि जाने की कोशिश कर रहे थे कि उस वक्त 12 बजे हमें, तो 12 बजे तक हम लोग तो आधा घूम चुके हैं, लेकिन फिर हमने यहाँ पर पूछा तो पता चला कि वो तो अब 2 बजे खुलेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कनक भवन, उसके बाद हम लोग जाएंगे भरत महल शायद, उसके बाद देखते हैं। ये सामने कनक भवन, तो हम लोग इधर जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कनक भवन। तो कनक भवन के बारे में ये बताते हैं ना कि श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी ने, हाँ, उनकी शादी के बाद श्री रामचंद्र जी और सीता जी को रहने के लिए यही भवन दिया था, वो लोग यहीं रहते थे। तो ये सामने वाले भेंट स्वरूप दिया था शादी का गिफ्ट उनकी, तो ये वाला महल दिया था। देखिए तक का कितना खूबसूरत है कलाकार ये, देखिए। हम लोग कर रहे हैं लंच, जब तक राम जन्मभूमि का मतलब टाइम नहीं होता, उसके बाद लंच करेंगे। आसपास के 2-3 प्लेस और हैं वो हम लोग घूमेंगे, उसका राम जन्मभूमि जाएंगे। तो लंच के लिए हमने मंगा लिया है चावल दाल
और सब्जी, और ये बाकी हम लोग अपने घर से पूरी बना के लेके आए हुए। ये हमने खाली रेस्टोरेंट में बैठने के लिए ये मंगाया हुआ है, खाली मतलब ऐसे टेम्परेरी, ताकि हम बैठ के यहाँ पर खाना खा सकें। अगर आप लोग आओगे तो आप कनक भवन के ठीक सामने अम्मा जी की रसोई में खाना खा सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि, जिनके 2 बजने वाले हैं करीब, तो अभी 2 बजे वो खुल जाएगा। तो ऐसा अभी सीनरी ऐसा है, देखिए पूरी धूल धूल उड़ रही है हवा की वजह से। ऐसे कुछ पार्किंग है इसके बाहर से, हम लोगों ने पार्किंग में एक जगह पर गाड़ी खड़ी की है उस साइड में, तो वहीं पर ही हमने गाड़ी रहने दी। हमने कहा खुद ही पहले पहले चलो, आपको ना कि जैसे ही आप मतलब यहाँ आओगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम घुमा देंगे, हमारे 50-50 रुपये लोग घुमाने के तैयार आते हैं। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आओ अपने मन से घूमो, लोग आपको पता बता देते हैं अपना आराम से, सब चीज़ आधे किलोमीटर के दायरे में ही सब चीज़ है। तो वो उधर अंदर वहाँ पे दिखाई दे रहा ना आपको, बिल्कुल मंदिर टाइप का, उस साइड की राम जन्मभूमि है, और उसी के अंदर जो टेम्पल बनना है उसी के साइड बनना है। इस टेम्पल के जो मतलब जो रखे हुए हैं ना लाके, जो बनाने ऐसे स्तूप टाइप के जो रखे हुए हैं, वो दूसरे कहीं पे एक एरिया पे रखे हुए हैं, वो आपको दिखाऊंगा उसके बाद। आप यहाँ से देखते हैं सामने धनुष बना हुआ है, उधर ही राम जन्मभूमि है। मे बी इसके अंदर हम लोग को मोबाइल और कैमरा अलाउड ना हो, बाहर लॉकर में रखना पड़ेंगे। देखते हैं क्या है, वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो इसी ऐसी लाइन पर लगे हुए थे उस टाइम पे, तो लाइन पे हमारा करीब 2 बजे से लाइन खुलना था, तो 2 बजे लाइन खुल गई, तो जब एग्जिट हुए तो उस साइड से एग्जिट हुए, चक्कर मार के हम लोग बाहर निकले। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी गई है, उसके बाद थोड़ा और घूमते हैं फिर देखते हैं नज़ारे। और आप भीड़ देखो ना, तो ऐसा है कि टाइम पर आ जाओ, ये सब राम भक्त हैं। आप लोग मोबाइल खड़ी रख दीजिएगा, मोबाइल खड़ी नहीं जाएगा। जैन बर्गर ले दीजिए, गेट आ गया। तो देखिए अभी हम लोग अभी पहले मैंने आपको तो उसे भिष्ट भवन दिखाया था ना, जैसे हम लोग रामलला भवन से मतलब निकल के बाहर आ रहे हैं, तो यहीं पर देखिए ये है जसद भवन है ना। इधर को चले जाओगे तो आप पहुंच जाओगे सीधे कनक भवन में। तो ये सब चीज़ें ना एक साथ है, आपको कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आराम से जाओ और पूरा घूम लो, सब आस पास है। बस आपको लिए आपको जो राम घाट है ना, वहाँ जाने के लिए टाइम लगेगा, उधर जाने में के लिए टाइम लगेगा, वो थोड़ा दूर है। बाकी आप लोग ये जो राम जन्मस्थली है ना, वो सब आप इधर ही घूम सकते हैं आराम। इधर ही आप सामने जाओगे तो इधर वाला मंदिर पड़ जाएगा हनुमानगढ़ी। बस बहुत आसान है घूमना अयोध्या, कोई इतना नहीं है। और एक दिन में क्या, हम लोग सुबह 10 बजे से घूम रहे हैं, अभी दिन के 3 बजे अभी राम घाट वापस जा रहे हैं। तो देखो हमने 4-5 घंटे पूरा अयोध्या घूमा, देख रहे ना मस्त। अभी हम लोग राम की पैड़ी में फिर से वापस आ गए, जी नहीं भर रहा था इसे देख के। अयोध्या की ना सबसे खूबसूरत जगह यही लगी ना यार का तुमको, अयोध्या की सबसे खूबसूरत जगह मेरे को राम की पैड़ी लगी, क्योंकि अभी राम मंदिर बना नहीं है, राम मंदिर बनने का काम चल रहा है, मतलब 2024 तक ही पूरा होगा ऐसा लगता है, 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि वहाँ तो ऐसा है कि एक बार जाओ अंदर से जाओ और बाहर निकल जाओ। लेकिन राम की पैड़ी जो है ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है, ये मम्मी बैठी है उधर पे, और यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मस्त सीन शॉट है यहाँ पर और खूबसूरत है। उस साइड सरयू नदी है, वो आपने पहले देखी ली थी, उस साइड सरयू नदी है, उधर बोटिंग भी कर सकते हैं, तो मतलब इतने सारे यहाँ पर ऑप्शन है। तो ये था पूरा अयोध्या का ब्लॉग, पूरा अयोध्या मैंने आपको बताया कैसे से घूमना है, यहाँ आके आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि अभी सीधे सीधे मतलब पैदल पूरा एरिया पैदल घूमना है, बस अयोध्या आना है। बहुत सारे धर्मशाला रहने के लिए हैं आसपास, आप बहुत सारे धर्मशाला रहते हैं, रेलवे स्टेशन बिल्कुल नज़दीक में है, आप नियर बाय रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं, एयरपोर्ट आपको लखनऊ मिलेगा इसका, बाकी आप बस फैजाबाद तक आ सकते हैं, वहाँ से ऑटो करके
यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं अयोध्या। अयोध्या आइए और घूमिए, और ये जो राम की पैड़ी बनी है यहाँ आके नहाइए, उधर सरयू में नहाइए, रामलला के दर्शन कीजिए, बाकी जो पुरानी चीज़ें हैं उनके भी दर्शन कीजिए। मेरे को मतलब कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, लेकिन मतलब क्या है कि ये इधर राम की पैड़ी वाला एरिया है और जो मंदिर भव्य बनेगा तो काफ़ी खूबसूरत होगा। तो दोबारा उस टाइम पे आएंगे जब मंदिर भव्य बनेगा, तो मतलब भव्य मंदिर बनेगा तब दोबारा आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तर।